नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता है अपनी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर की खबर। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न महोत्सव पूरे प्रदेश में मनाया गया। इसी कड़ी में सिद्धार्थ नगर जिले में भी सभी 1330 राशन वितरण केंद्रों पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अन्न महोत्सव के तहत सिद्धार्थ नगर जिले के 1,35,000 कार्ड धारकों को आज राशन वितरण किया गया। अन्न महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थी। पूरे जिले में सभी जनप्रतिनिधियों के देखरेख में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर राशन का बैग कार्ड धारकों को दिया गया। जिला मुख्यालय से कुछ दूर स्थित करौंदा मशीना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने लाभार्थियों को राशन बैग देने के बाद कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी योजना शुरू हुई है। कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ी योजना शुरू की ताकि 5 किलो प्रति यूनिट हर घर को राशन मिल सके। आज उत्तर प्रदेश के 80 लाख लाभार्थी इस योजना से जुड़े हैं। पहले राशन ब्लैक में मिलता था और आज हर किसी को आसानी से उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार गरीबों और नौजवानों की भलाई के लिए हर कदम उठा रही है। इस तरह की आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजना शुरू हुई है कि देश में कोरोना की वैश्विक चुनौती के बाद जब लोग घरों में लॉकडाउन थे, लोगों की मेहनत मजदूरी रेड़ी पटरी वाले दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था, उस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि आखिर लोगों की जिंदगी तो बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड में लोग घरों में लॉकडाउन की घोषणा राज्यों ने किया, लेकिन उनको अगर खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो बीमारी से जगह भूख से मौत होगी। उस पर उन्होंने निश्चय किया कि हम 5 किलो प्रति यूनिट कि अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो 25 किलो चावल या गेहूं देंगे। और इस योजना का पहली बार भी जब कोविड लगा था तो उन्होंने शुरू किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1, और अब दोबारा जब फिर अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर आई तो उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 शुरू हुई। और आज जो ये खास तौर से है कि आज प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के 80 लाख लाभार्थियों से सीधे जुड़े हुए हैं। आज हम सब लोग करौंदा मसीना सिद्धार्थनगर जो तथागत गौतम बुद्ध की धरती है वहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ लाभार्थी हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरह से खाद्यान्न के झोले उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये झोला जहाँ खाद्यान्न के लिए उपयोगी है वहीं उनके घरों में ये दूसरे काम में भी आ सकता है, बहुत उपयोगी चीज़ है। और ये योगी सरकार की संवेदनशीलता है कि जहाँ पहले लोगों को बड़े से बड़े संकट में भी खाद्यान्न राशन की दुकानों पर ब्लैक मिलता था, PDS में 1 महीने का गल्ला मिलता था तो 1 महीने का लोग कहते थे ब्लैक हो जाता है, आज वहीं पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद आज जिस तरह से उस मशीन के द्वारा एक एक कार्ड धारक जो देश में 81 करोड़ 35 लाख की संख्या है और उत्तर प्रदेश में एक एक व्यक्ति को खाद्यान्न मिल रहा है, ये जो मुफ्त खाद्यान्न है 5 किलो, ये जो कोटे पे राशन है उससे अतिरिक्त खाद्यान्न है। और इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने 67,366 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और आपने देखा होगा कोविड के दौरान उन्होंने जहां मार्च 20 में कोविड आया तो उस समय हमने 40,000 करोड़ मनरेगा में रखा था, लेकिन जब देखा कि लगभग 1 साल तक लॉकडाउन चला।